खबर युवा जिले से है, जहां कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद होटल सेलिब्रेशन में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर ने जिले के विकास सामूहिक विषयों सहित अन्य योजनाओं के संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विभिन्न जिलों में अपनी तैनाती और कार्यों को गिनाया। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। स्थान है उनको खाली 25% पैसा देना है। मान लीजिए 8,000 रुपए मैक्सिमम अगर दे सकते हैं तो उसमें से 25% 2,000 रुपए संबंधित प्रतिष्ठान देगा और बाकी पैसा 75% गवर्नमेंट पे करेगी। अब फायदा इसमें दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है कि प्रतिष्ठानों को भी कम कीमत पे इंटर्न मिल रहे हैं और इंटर्न सिर्फ सीखते नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपके काम में करते ही है। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको इंटर्नशिप तो मिल ही रही है। जो अच्छे आप देखिएगा कि 10 लोगों को जब हम काम पे रखते हैं, भले सिखाने के लिए रखते हैं, अगर उन 10 में से 3 लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा सीखा, अच्छा रिस्पॉन्ड किया, अच्छे इनपुट्स दिए, तो लोग उनको कंटिन्यू भी कराते हैं। तो ऐसे लोगों का परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, परमानेंट इन एक्टिविटीज में बच्चों की जो संबद्धता होगी वो होगी। रीवा में लगभग 1,098 के आसपास नई वैकेंसीज जनरेट हुई हैं और जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनकी भी संख्या काफी अच्छी है।